दो तरह के माइंड होते हैं, मंक माइंड और मंकी माइंड। मंकी माइंड चीजों को टालता है और ओवरथिंक करता है, जबकि मंक माइंड क्लैरिटी से भरा होता है और चीजों को टालने के बजाय अच्छे से एनालाइज करता है। मंकी माइंड छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि मंक माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। मंकी माइंड जो भी अच्छा लगे वो करता है, जबकि मंक माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। थिंक लाइक अ मंक, एक मंक की तरह सोचो और अपने माइंड को पीस और पर्पस के लिए ट्रेन करो। पर ऐसा क्या खास है मंक थिंकिंग में? दुनिया का सबसे खुश इंसान मैथ्यू रिकार्ड एक मंक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जिसके ब्रेन से अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और हैप्पीनेस से एसोसिएटेड गामा वेव्स का हाईएस्ट लेवल मिला। मंक्स पेन और एंजाइटी से डील करने में मास्टर होते हैं। वो अपनी ईगो को एकदम शांत कर लेते हैं, अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, पर्पस और मीनिंग से भरी हुई लाइफ जीते हैं। तो क्यों ना हम दुनिया के सबसे काम, सबसे हैप्पीएस्ट और सबसे पर्पसफुल लोगों से कुछ सीखें। हो सकता है कि आप सोच रहे हो मंक्स के लिए तो काम रहना बहुत ही आसान होगा, वो तो जंगलों में छिपे रहते हैं जहां उन्हें जॉब्स, रश आवर्स, ट्रैफिक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शायद आपको लगे कैसे एक मंक की तरह सोचना इस मॉडर्न वर्ल्ड में मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो एक मंक पैदा नहीं होता। मैथ्यू रिकार्ड्स एक बायोलॉजिस्ट था। ऐसे बहुत से मंक्स हुए हैं जो फाइनेंस और बैंक से जुड़े हों, वो भी हमारी तरह सिटीज या टाउन्स में ही बड़े होते हैं। और इन जगहों की डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करने के लिए जो कुछ भी मंक्स सीखते हैं, वो हम भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके ट्रिमेंडसली इवॉल्व हो सकते हैं। सो वेलकम टू इवॉल्व फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम जानेंगे जिंदगी को पर्पस और मीनिंग से भरना, माइंड को काम करना, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना, अपना पैशन और इंटरेस्ट का पता करना, नेगेटिविटी से डील करना। 3 बेसिक और सबसे पावरफुल मेडिटेशन उस इंसान की बुक से जिसने खुद अपनी जिंदगी के 3 साल एज अ मंक बिताए और आज एक इंटरनेशनल लाइफ कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर है, जे शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मंक से। जे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इस बुक के मटेरियल को डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी जिंदगी का मकसद, पैशन और जिंदगी की रियल मीनिंग को जान पाओगे। और हम यहाँ इवॉल्व पर हर हफ्ते आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स लेकर आते हैं। वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, पर सालों की मेहनत के बाद लिखी गई एक बुक और उसकी बेस्ट लर्निंग इतना टाइम तो डिजर्व करती है। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, तो इस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा या आप इसे एज अ ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और आपकी प्रेजेंस ही हमें मोटिवेट करती है, तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की बुक थिंक लाइक अ मंक। अपनी 3 साल की मंक लाइफ को जे अगर 4 शब्दों में कहें तो वो है द स्कूल ऑफ लाइफ, वो स्कूल जहां उन्होंने जिंदगी के बारे में सीखा। हमारा माइंड या तो हमें एलिवेट कर सकता है या बहुत नीचे खींच सकता है, और यही कारण है कि हमें मंक की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि 2 तरह के माइंड होते हैं, मंक माइंड और मंकी माइंड। मंकी माइंड चीजों को टालता है और ओवरथिंक करता है, जबकि मंक माइंड क्लैरिटी से भरा होता है और चीजों को टालने के बजाय अच्छे से एनालाइज करता है। मंकी माइंड छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि मंक माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। मंकी माइंड जो भी अच्छा लगे वो करता है, जबकि मंक माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। मंकी माइंड जरा सी परेशानी होने पर अपना मकसद बदल देता है, जबकि मंक माइंड इरादे पर अडिग रहता है। मंकी माइंड डिमांडिंग और काम का क्रेडिट लेने वाला होता है, जबकि मंक माइंड डिटरमाइंड और पेशेंट होता है। मंकी माइंड सिर्फ प्लेजर ढूंढता है, जबकि मंक माइंड मीनिंग ढूंढता है। मंकी माइंड डर और नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है और उसी के बारे में सोच सोच कर उसे बढ़ाते रहता है, जबकि मंक माइंड नेगेटिविटीज और डर को ब्रेक डाउन करता है। मंकी माइंड मल्टीटास्कर होता है और मंक माइंड एक टाइम पे एक ही काम करता है। मंकी माइंड एमलेसली एक थॉट से दूसरे थॉट पर, एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज पर बिना कुछ सॉल्व किए जंप करते रहता है।
जबकि मंक माइंड चैलेंज की गहराई तक जाकर प्रॉब्लम का रूट सॉल्यूशन निकालता है। मंकी माइंड कंप्लेन, कंपेयर, क्रिटिसाइज करता है और मंक माइंड हम्बल, केयरिंग और कोलैबोरेटिव होता है। इन कंपैरिजन से आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हमें मंक्स की तरह क्यों सोचना चाहिए। मंक रह चुके जे शेट्टी एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में पैदा हुए थे और कॉलेज टाइम तक जे का कोई लाइफ गोल नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। मैक्सिमम लोगों की तरह वो भी बस एक अच्छी जॉब, अच्छा पार्टनर और एक खुद के घर के बारे में सोचते, जब तक वो एक इंसान से नहीं मिले थे, गोरंगा दास, जे शेट्टी के गुरु, जिन्हें वो पहली बार अपने कॉलेज में मिले, जो कि वहाँ सेल्फलेस सर्विस पे स्पीच देने आए थे। उनके वर्ड्स जे के हार्ट को टच कर गए, जिनमें सबसे खास उन्हें ये स्टेटमेंट लगा, हमें वो पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छांव में बैठने का या जिनके फल खाने का हमारा कोई इरादा ना हो। फिर जे ने मंक लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद जे ने मुंबई में एक आश्रम ज्वाइन कर लिया। इस बुक में जे ने बार बार भगवद गीता का यूज किया है, जिसका मतलब है सॉन्ग ऑफ गॉड, जिसे सभी लोग इंडिया का वर्ल्ड को सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट मानते हैं। जे ने जब आश्रम में रहना शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने देखा कि एक 10 साल का बच्चा अपने से छोटे 5 साल के बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था। जे उसके पास गए और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चे ने जवाब दिया, आज इनकी पहली क्लास है जिसका मैं टीचर हूँ, तुमने अपनी पहली क्लास में क्या सीखा था। जे ने सोचकर बताया, अल्फाबेट्स और नंबर्स। तो बच्चा कहता है, यहाँ हम पहली क्लास में सिखाते हैं सांस लेना। हमारी ब्रेथ एक ऐसी चीज है जो लाइफ की वेरी बिगनिंग से और लाइफ के एंड तक हमारे साथ रहती है। हम कहीं भी जाएं, किसी भी सिचुएशन में हो, ब्रेथ हमारे साथ है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रीथिंग चेंज होती है, हम गुस्से में होते हैं तो ब्रीथिंग चेंज होती है। ब्रेथ को नेविगेट करना, मैनेज करना अगर हम सीख जाते हैं तो हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को नेविगेट और मास्टर कर सकते हैं। इस मास्टरी के लिए जे ब्रेथवर्क मेडिटेशन बताते हैं, जो हम आगे जानेंगे। पार्ट 1, लेट गो। आइडेंटिटी, इज दिस डस्ट और इज इट मी, ये मैं हूँ या ये धूल है। मंक्स के साथ जे एक स्टोर रूम में है, आश्रम जो कि हमेशा साफ रहता है, ये जगह उससे बिल्कुल अलग है, धूल से भरी हुई है। सीनियर मंक जे को एक मिरर के पास लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है। मिरर पे धूल की मोटी परत होने की वजह से जे को अपना रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तब सीनियर मंक एक कपड़े से धूल को हटाते हैं और इस धूल का बादल जे के चेहरे पर आता है, आँखों में और गले में बहुत चुभता है। तब सीनियर मंक कहते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी एक मिरर है जो कि धूल से ढकी हुई है। पहले पहले जब तुम मिरर में देखते हो, तुम क्या हो, तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, ये सच छुपा हुआ होता है। मिरर को साफ करना भले ही अनप्लीजेंट हो, पर सिर्फ तब ही जब डस्ट हट चुकी हो तुम अपना ट्रू रिफ्लेक्शन देख सकते हो। हमारी आइडेंटिटी होती है दो लेयर्स की, आउटर और इनर। एक तो धूल की जो कि आउटर लेयर है और दूसरी मिरर की अपनी रिफ्लेक्टिंग लेयर। जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, मेडिटेट करना शुरू करते हैं, माइंड को स्टेबल बनाना शुरू करते हैं, तो एकदम से बहुत सारे डिस्टरबेंस माइंड में आते हैं जो कि हमारी आउटर लेयर है। आउटर वर्ल्ड की आवाजें हैं जो ब्रेन में सेंस ऑर्गन से एंटर हुई, ठीक वैसे ही जैसे धूल आउटर लेयर है जिसे साफ करने में बड़ी इरिटेशन होती है, पर सिर्फ इसे साफ करके ही हम अपनी असलियत को जान पाएंगे। सफाई से वैल्यूज दिखेंगी और वैल्यूज ही लाइफ को चलाती हैं। द मीडिया माइंड गेम, जिन्हें हम देखते हैं उससे हमारी वैल्यूज इन्फ्लुएंस होती हैं। जो न्यूज फीड में है वो माइंड को फीड कर रहा है, जो मूवीज हम देखते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं, जो मीम्स हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम दिन भर देखते सुनते बोलते हैं, वो सारी हमारी वैल्यूज को, हमारी जिंदगी के मायनों को इन्फ्लुएंस करता है। हम जितना ज्यादा सेलिब्रिटीज की बातें, वॉयलेंट वीडियो गेम्स, सक्सेस इमेजेस और डिस्टर्बिंग न्यूज को सुनते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी वैल्यूज जजमेंट और कॉम्पिटिशन से भरती है। असल में हमारी आइडेंटिटी इसमें छुपी होती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो एक स्टेटमेंट है ना,
यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर, यू आर नॉट वट अदर्स थिंक यू आर, यू आर वट यू थिंक अदर्स थिंक यू आर। मतलब कि आप वो नहीं हो जो आप खुद को सोचते हो, आप वो भी नहीं हो जो दूसरे आपको सोचते हैं, आप वो हो जो आप सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो ज्यादातर किसी और की नज़र में अच्छा बैठने के लिए होते हैं। जैसे हम किसी आदमी को एडमायर करते हैं जिसके लिए मनी ही सब कुछ है, वो ज्यादा पैसों को ही सक्सेस मानता है, तो हम उस आदमी को इम्प्रेस करने के लिए मनी को चेज करने लगते हैं। हम वो करने लगते हैं जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो मीनिंगफुल लाइफ बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी लाइफ में खुद के लिए स्पेस बिल्ड करना, बाहर की नॉइज को फिल्टर करना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। सोशल मीडिया, स्कूल, टीवी, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारी बाहर की नॉइज हैं जो हमें बार बार ये बताती हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हमें लाइफ में कैसा होना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ में खुद के लिए स्पेस बिल्ट नहीं करते हैं, अपने थॉट्स की गहराई में जाकर खुद को नहीं समझते हैं, तो आउटर वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शंस ही हमारी वैल्यूज बन जाते हैं। अभी हमें खुद को इन सब चीजों से दूर नहीं कर देना, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड में एक्टिवली स्पेस को बिल्ट करने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऑन अ डेली बेसिस हमें कुछ देर बैठकर अपने माइंड में अपना दिन रिफ्लेक्ट करना है कि आज का दिन कैसा रहा, कैसे इमोशंस मुझ में थे। नंबर 2, ऐसा करने से हम में जो चेंज आएगा हम उसे फील कर सकते हैं। महीने में एक बार किसी ऐसी जगह जाकर जहां हम आज तक ना गए हों, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पार्क, कोई वेकेशन या लाइब्रेरी जहां हम पहले कभी ना गए हों, ताकि हम खुद को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 3, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होना जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जैसे कोई अच्छी हॉबी या कुछ भी जिससे आप वर्ल्ड को कुछ दे सको। यह स्पेस को बिल्ड करने का अगला तरीका है ये देखना कि हम अभी हमारे पास जो टाइम है हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं और क्या हमारी डेली चॉइसेस हमारी ट्रू वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हमारी वैल्यूज कहाँ से आती हैं? दुनिया हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो कि सारी आउटर वैल्यूज हैं। हमें अपनी वो सारी वैल्यूज ऑब्जर्व करनी है जिनके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, और हर वैल्यू के साथ इनका ओरिजिन कि ये मुझे कहाँ से मिली, किससे सीखा मैंने ये, और फिर उन वैल्यू को फॉलो करना है जिन्हें हम ट्रूली सही मानते हैं और अपने बिहेवियर से उन्हें शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर वैल्यू है हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, एक स्पेसिफिक टाइप की अपीयरेंस, तो इसका ओरिजिन क्या है? मेरे दोस्त, मेरी इंस्टा फॉलोइंग, बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स, क्या ऐसा दिखना मैंने खुद डिसाइड किया? क्या मुझे ऐसा दिखना पसंद है? जो कुछ भी आपका आंसर हो, लेकिन नो मैटर, हम कुछ भी अपनी वैल्यूज माने, किसी भी चीज को अपनी जिंदगी के मायने माने, हमारे एक्शंस ही हमारी रियल स्टोरी बताते हैं। हम अपने खाली टाइम में क्या करते हैं यह दिखाता है कि हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आप अपना फ्री टाइम पेरेंट्स के साथ बिताने की सोचते हो, लेकिन उस टाइम को आप वीडियो गेम्स खेलने में बिताते हो, तो एक्शंस वैल्यूज से मैच नहीं हो रहे हैं। हमें सेल्फ एग्जामिनेशन की जरूरत है। इसके लिए शुरुआत हमें टाइम से करनी पड़ेगी। कैसे हम उस टाइम को बिताते हैं जब ना ही हम सो रहे हों और ना ही कुछ कर रहे हों। रिसर्चर्स से पता चला है कि हमारी लाइफ के एंड तक हम 33 इयर्स अपने बेड में गुजार देंगे, जिनमें से 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करने में बीतेंगे, 11 साल हमारी जिंदगी के बीच जाएंगे टीवी और सोशल मीडिया में, 1 साल और 4 महीने एक्सरसाइज करने में, और 3 से ज्यादा साल वैकेशंस में। और अगर आप एक फीमेल हो तो आप 136 डेज सिर्फ रेडी होने में ही बिता दोगे, और अगर मेल हो तो 46 डेज। ये वैसे तो एस्टिमेट्स ही हैं, पर हमारी डेली चॉइसेस इनमें ही ऐड होती हैं। ट्राई दिस, एक हफ्ते के लिए अपने टाइम को ट्रैक करो कि इनमें से किन चीजों में मैंने अपना टाइम कितना बिताया है। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 फ्रेंड्स, नंबर 3 हेल्थ, नंबर 4 वर्क, नंबर 5 सोशल मीडिया, और नंबर 6 अवर सेल्फ। जिन एरियाज में आपने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है वो आपकी वैल्यू से मैच होनी चाहिए। जैसे टाइम की वैल्यू जानी, वैसे ही हम मनी की भी जान सकते हैं।
अपने एक्सपेंडिचर को देख के, कहीं हम उन चीजों पे खर्च ना कर रहे हों जो हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है या जो बस टेम्परेरी हैप्पीनेस हमें देते हैं। और मनी को स्पेंड करना हमने ऑलरेडी रिच डैड पुअर डैड से सीखा हुआ है। रिच हमेशा एसेट्स पे स्पेंड करते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटी पे स्पेंड करते हैं, जिन्हें वो सोचते हैं कि ये एक एसेट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमने उसकी भी चैप्टर वाइज समरी अपलोड की हुई है। मनी के सही यूज के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। जहाँ हम अपना टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं वो हमारी ट्रू वैल्यूज को बताते हैं। हम इन्हें अपने आउटर सेल्फ के इन्फ्लुएंस से यूज कर रहे हैं या अपनी इनर सेल्फ के। 15 मिनट्स के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास काफी टाइम होता है, पर 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अपनी पास्ट वैल्यूज को जानने के लिए हमें ये करना है, कौन से ऐसे 3 काम या चॉइसेस थी जो आपके जिंदगी में सबसे बुरी थी और कौन सी ऐसी 3 सबसे अच्छी चॉइसेस आपने ली, क्यों आपने इन्हें चूज किया, इनसे क्या सीखा, इसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता था। इन आंसर्स को जानने के बाद अपने आंसर्स को जरा ध्यान से देखो, इन्हीं में आपकी वैल्यूज छुपी हुई हैं। और ऐसे ही फ्यूचर के लिए भी अपने सबसे बड़े गोल को देखो, आप अपनी जिंदगी को आगे कैसा देखना चाहते हो, क्या ये सब औरों के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस्ड है या ये आपकी खुद की चॉइस है। वैल्यू ड्राइवन डिसीजन। अगली बार जब आप अपना फ्री टाइम स्पेंड करने का डिसीजन लो तो उससे पहले पॉज करो और सोचो इस चॉइस के पीछे कौन सी वैल्यू है। इसमें कुछ सेकंड ही लगने हैं और इस पॉज से आप कॉन्शियस हो जाते हो सही और गलत के लिए। जिस किसी के साथ भी आप टाइम स्पेंड करो उसके बाद ये क्वेश्चन करो, जैसा मैं बनना चाहता हूँ क्या इसके साथ रहने से मैं उसके करीब जा रहा हूँ या उससे दूर। आंसर क्लियर होगा और उसी पे एक्ट करना। अपने आप से पूछना, जो मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ, जो वैल्यूज ये मुझे दे रहे हैं, जिनसे अल्टीमेटली मेरी लाइफ बनने वाली है, ये मैं हूँ या ये धूल है। इज दिस डस्ट और इज इट मी। चैप्टर 2 नेगेटिविटी। इसमें हम जानेंगे खुद से अनवांटेड एटीट्यूड और इमोशंस को फिल्टर करना। जे जब आश्रम में थे तो उनके गुरु गोरंगा दास ने सभी मंक्स को ये टास्क दिया था, जिस किसी से भी वो मिले या अपने साथी मंक्स जिसके साथ भी वो मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, उनकी 10 पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव पॉइंट्स को नोट करें। काफी टाइम तक ये करने के बाद जे को रियलाइज हुआ, हर इंसान में जितनी कमियां थी, जितने नेगेटिव पॉइंट्स थे, उनसे कहीं ज्यादा उनमें पॉजिटिव पॉइंट्स थे। और जब उन्होंने ये खुद में भी करके देखा तो पता चला कि वो बुरे से ज्यादा अच्छे हैं। उनमें भी नेगेटिविटीज कम और पॉजिटिविटीज ज्यादा हैं। हम में नेगेटिविटी आती है 3 कामों से, कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग और क्रिटिसाइजिंग। वैसे तो कोई भी इंसान ये सोचकर अपना दिन शुरू नहीं करता, आज मैं और छोटा कैसे बन सकता हूँ या आज मैं किस किस की चुगलियाँ कर सकता हूँ या औरों को बुरा महसूस करा के मैं खुद खुश कैसे रहूँगी। पर फिर भी नेगेटिविटी हमारे अंदर से आती है। हम में 3 कोर इमोशनल नीड्स हैं, पीस, लव और अंडरस्टैंडिंग। जब कभी इन इमोशंस पे कोई खतरा महसूस हो तब हम नेगेटिव फील करने लगते हैं या नेगेटिव एक्ट करने लगते हैं। ये डर कि बुरी चीजें होने वाली हैं, लॉस ऑफ पीस है। ये डर कि कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, लॉस ऑफ लव है। और डिसरिस्पेक्टेड होने का डर, लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और फिर ये नेगेटिव फीलिंग्स कंप्लेन, कंपैरिजन या क्रिटिसिज्म के फॉर्म में हमसे बाहर निकलती हैं। नेगेटिविटी फैलती है। हम सोशल क्रिएचर्स हैं और हमें हमारी बड़ी रिक्वायरमेंट्स, पीस, लव और अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने आसपास के लोगों से। अनकॉन्शियसली हम औरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है कि हमारी वैल्यूज हमारे ग्रुप से पूरी तरह इन्फ्लुएंस होती है और जिन लोगों के साथ हम हैं उनसे अलाइन करने के लिए हम उन्हें फॉलो भी करने लगते हैं, भले ही हमारे आसपास के लोग पूरी तरह से गलत ही क्यों ना हो। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इंस्ट्रक्टर्स ने स्टूडेंट्स से कहा वो एक विजन टेस्ट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक स्टूडेंट के अलावा हर स्टूडेंट एक एक्टर था जिन्हें पहले से ही बताया गया था कि उन्हें क्या करना है। तो इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट्स को एक टारगेट लाइन दिखाई और उसी लाइन के बगल में 3 और लाइन दिखाई और उनसे पूछा कौन सी लाइन की लेंथ
टारगेट लाइन की लेंथ से मैच होती है। एक्टर स्टूडेंट्स ने जानबूझकर गलत जवाब दिया। उन्हें देखकर जो अकेला स्टूडेंट बचा था, ये जानने के बावजूद कि उनका आंसर गलत है, वो उन्हीं का जवाब रिपीट कर रहा था। इस फिनोमिनन को ग्रुप थिंक बायस कहते हैं, और ऐसा शायद आपके साथ भी स्कूल में बहुत बार हुआ हो। सही जवाब हम जानते हैं, पर सब कुछ और कहते हैं तो हम अपना सही आंसर अपने अंदर ही दबा देते हैं। इसीलिए अगर हमने खुद को गॉसिप, कंप्लेंट्स और पूरी नेगेटिविटी से सराउंड किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम भी नेगेटिव बन जाएं। जितनी नेगेटिविटी हमारे आसपास है, उतने ही ज्यादा नेगेटिव हम भी हैं। टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल, जो कि हमारे आसपास के लोगों के नेगेटिव होने से हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि नेगेटिव लोग कैसे होते हैं। जैसे जैसे हम नेगेटिव लोगों के टाइप जानेंगे, आप भी जरा रिलेट करना, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं? नेगेटिव पीपल की कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं कंप्लेनर्स। ये वो लोग हैं जो हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों है। लाइफ में हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर ऐसी भी नहीं कि उनका सॉल्यूशन ही ना हो। और कंप्लेनर्स एंडलेसली अपनी प्रॉब्लम्स की ही शिकायत करते रहते हैं, बजाय सॉल्यूशन ढूंढने के। नेगेटिव पीपल की सेकंड कैटेगरी में आते हैं कैंसलर, जो कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट तो करते हैं पर उसे स्पिन कर देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो कहेंगे मतलब कि मैं कल बुरा दिख रहा था। नेगेटिव पीपल की थर्ड कैटेगरी में आते हैं कैजुअलिटीज, जो सोचते हैं कि दुनिया उनके साथ नहीं है और हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। नेगेटिव पीपल की फोर्थ कैटेगरी में आते हैं क्रिटिक्स, जो औरों को जज करते हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन पे या उनके पास कोई ओपिनियन ना होने पे। नेगेटिव पीपल की फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं कमांडर्स, जो खुद की लिमिट्स को अपनी जिंदगी की आखिरी हकीकत मान लेते हैं, पर औरों पे प्रेशर डालते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। नेगेटिव पीपल की सिक्स्थ कैटेगरी में आते हैं कॉम्पिटिटर्स, जो खुद को औरों से कंपेयर करते हैं, फिर खुद को और अपनी चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं औरों के सामने अच्छा लगने के लिए। ये इतने दर्द में रहते हैं कि औरों को नीचे लाना चाहते हैं, खुद की नज़र में खुद को ही छोटा देखते हैं और खुद को एक भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं कर पाते। नेगेटिव पीपल की सेवंथ कैटेगरी में आते हैं कंट्रोलर्स, जो सब कुछ मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, अपने फ्रेंड्स से लेकर अपने पार्टनर तक। ये हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हर किसी से अपने हिसाब से टाइम स्पेंड करवाने में लगे रहते हैं। अब आप इस लिस्ट के साथ खेल सकते हो और नोटिस कर सकते हो उन सारे नेगेटिव लोगों को जो भी आपकी लाइफ में है, या हो सकता है कि हम ही इनमें से एक हों। इसका सलूशन जे बताते हैं, जब वो पहली बार आश्रम गए थे, तब उनके टीचर गोरंगा दास ने कहा, अपने इस नए घर को घर की तरह नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल की तरह देखो। यहाँ हर किसी की अपनी कोई ना कोई डिजीज है, इवन डॉक्टर भी बीमार पड़ता है। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, बस सबको खुद पर अपनी अपनी डिजीज के हिसाब से काम करना है। औरों को उनकी डिजीज पे जज नहीं करना है, किसी को भी परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, ना ही खुद को परफेक्ट सोचना है। तो बजाय इसके कि हम नेगेटिव्स को जज करें, हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है पॉजिटिविटी को बढ़ा के, या इवन नेगेटिविटी को रिवर्स करके। एक्सटर्नल नेगेटिविटी को रिवर्स करना, जो नेगेटिव बिहेवियर्स अभी हमने जाने, हमें उनके बेसिस पे एक्सटर्नल नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करके रिवर्स करना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जर्वर बनना है, किसी नेगेटिव सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट में एक कदम पीछे लेकर खुद को उस मोमेंट के इमोशनल चार्ज से अलग करना है, फिजिकली नहीं इमोशनली। नेगेटिविटी किसी की पहचान नहीं, ये बस एक गुण है जिसे हम बदल सकते हैं। कोई हमें हर्ट करता है तो इसका मतलब है वो खुद भी हर्ट है। हमें उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड नहीं करना, बस समझना है उसका दुख ओवरफ्लो हो रहा है, उसे हेल्प की जरूरत है। दलाई लामा ने कहा है, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, पर अगर नहीं तो एटलीस्ट उन्हें और दुखी मत करो। किसी की हेल्प तभी करनी चाहिए जब हम उस काम में खुद प्रोफेशनल हों। हम किसी डूबते हुए को तभी बचा सकते हैं जब हम खुद एक प्रोफेशनल स्विमर हों।
अगर हमें खुद नॉर्मली स्विम करना आता है और हम गहरे पानी में डूब रहे किसी को बचाने जाएं, तो वो हमें भी अपने साथ ले डूबेगा। किसी की हेल्प करने की डिजायर ईगर ड्रीवन है। अपने इस इमोशन को खुद को कंट्रोल करने की ताकत मत दो। मदद तभी करो जब आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स और टाइम हो, वरना तब बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है जब लोग तुम्हारी ब्रिलियंट एडवाइस को सुनकर उस पे एक्ट नहीं करते। तो हमें ऐसे लोगों को जाने देना है, जैसे हमने पहले चैप्टर में जाना था, लेट गो। पर जब हमारे दोस्त या फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो जाएं, तो उन्हें कैसे जाने दें? तब हमें हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज करना है, द 25-75 प्रिंसिपल। मतलब अपनी लाइफ के हर नेगेटिव पर्सन के लिए खुद को 3 पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना, या अगर हम नेगेटिव को छोड़ नहीं सकते तो उसे रिड्यूस करने के लिए दिन का मैक्सिमम 75% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ बिताना है, उनके साथ ग्रो करना है। जरूरी नहीं कि हमारे रियल एनवायरनमेंट में ही, वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी हम 75% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ ग्रो करने के लिए दे सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना या उन लोगों से सीखना जो आज लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारते जाना। ये करना है 75% टाइम, और बाकी 25% टाइम नेगेटिव हो भी तो डोमिनेंट पॉजिटिव ही है। रिवर्स इंटरनल नेगेटिविटी। आश्रम में जब ऑथर रहते थे तब वहाँ सिर्फ एक कंपटीशन अलाउड था, वो था किसी दूसरे के लिए लव और रिस्पेक्ट का कंपटीशन। आउटर नेगेटिविटी को पहचान के हमें खुद पे काम करना है। जो सिस्टम हमें बचपन से मिलते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम, उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है किसी दूसरे से जलन, कंपटीशन, खुद आगे रहने के लिए औरों को पीछे करना। ऐसे में हम अपनी सक्सेस पे बहुत खुश होते हैं, पर साथ ही साथ ये नहीं देख पाते हमारी सक्सेस से कोई और फेल भी हुआ है। सक्सेस से जो भी फ्रीडम आती है, हमें लगता है उससे हम जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं, पर रियल फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड, अनचाही चीजों पे कंट्रोल, यानी फियर, एंगर, इल्यूजन, जजमेंट्स, सारी नेगेटिविटी पे कंट्रोल। नेगेटिविटी को हम खत्म नहीं कर सकते, ये हमेशा ही रहेगी और बड़े से बड़े इंसान में रहती है। पर डिफरेंस जो आता है वो है चॉइस का, कि हम अपनी जलन, डर, ईगो के थॉट्स पे कैसे रिस्पोंड करते हैं। स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप। द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू अराउज इट। घास वहाँ ज्यादा हरी होती है जहाँ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। नेगेटिविटी से डील करने का फाइनल स्टेप है अपने अंदर या अपने एनवायरनमेंट में पहले इसे स्पॉट करना, और फिर स्टॉप, इमोशनली रुक जाना है, खुद को सोचने का स्पेस देना है और सोचकर सही डिसीजन लेकर स्वॉप। अगर अपने अंदर नेगेटिव इमोशन है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे स्वॉप कर दो। अगर एनवायरनमेंट में है तो उससे दूर होकर किसी अच्छे के साथ जाकर उसे स्वॉप कर दो। जब हम औरों के मिसफॉर्च्यून के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड नहीं होते हैं, बजाय इसके उनकी सक्सेस पे हमें खुशी होती है, तब हम हील करना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, फियर, डर। डर हमसे एक पल के लिए हमारे सारे अचीवमेंट्स छीन लेता है। आश्रम में एक दिन गोरंगा दास ने अपने सारे स्टूडेंट से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपना बुरे से बुरा डर याद करो। कोई ऐसे सिचुएशन जब तुम वाकई में बहुत डरे हुए थे, फियर, एंजाइटी बस यही थी दिमाग में, तभी जे को अपना एग्जाम का डर याद आया। बड़ी छोटी चीज लगती है, लेकिन बचपन में शायद हम इससे एक ना एक बार बहुत डरे हैं। इस सिचुएशन में जे ने खुद से पूछा, मैं किस चीज से डर रहा हूँ? माहौल एकदम शांत था, जे का माइंड भी शांत था, सिर्फ यही क्वेश्चन था दिमाग में, एग्जाम टाइम में मैं किस चीज से डरता था। धीरे धीरे उन्होंने जाना, उनका डर इस वजह से था, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त मेरे स्कोर्स को देख के मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे मेरे कजिन से कंपेयर किया जाएगा। वो इस सब को बस याद नहीं कर रहे थे, बल्कि ये डर अभी भी उन्हें महसूस हो रहा था, जैसे वो बिल्कुल उसी सिचुएशन में हो। जिस सिचुएशन में थोड़ा और डीप गए, फिर से पूछा, मैं वाकई में किस चीज से डर रहा हूँ?
फिर उन्हें अपने डर की जड़ का पता चला। वो इस बात से डरते थे कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाऊंगा। इसी से आधे घंटे पहले जे को लगा वो किसी चीज से नहीं डरते, पर जब जरा खुद को जाना तो पता चला कि उनका बचपन का डर अब भी उनके साथ था। फिर उन्होंने सीखा अपने डर को सही तरीके से यूज करना। यूज फियर एज अ टूल टू अराइज। इमेजिन करो कि आप एक घर में आराम से सो रहे हो और वहाँ अचानक से आग लग जाए। स्मोक डिटेक्टर बीप कर रहा है। इमीडिएटली आप बहुत डर गए हो क्योंकि सिग्नल ने अपना काम किया जो आपका अटेंशन लेने के लिए था। आपको स्मोक की स्मेल आ रही है तो अब आप अपनी फैमिली को लेकर घर से बाहर निकलोगे, राइट? ये है फियर का बेस्ट यूज करना। आपने ऐसा नहीं किया कि स्मोक अलार्म को सुनने के बाद क्विकली कोई सही स्टेप लेने के बजाय आप दौड़कर स्मोक डिटेक्टर के पास गए, उसकी बैटरी निकाल दी और आराम से सो गए। ऐसा करने पर आप इमेजिन कर सकते हो कि इससे प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी ही, पर फिर भी यही काम हम अपने डर के साथ करते हैं। सही रिस्पांस देने के बजाय हम सिचुएशन को टाल देते हैं या उसे दफनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस सिग्नल से ना सीखें जो हमें अलर्ट कर रहा है, तो हमें प्रॉब्लम के रिजल्ट से सीखना ही पड़ेगा, जो कि उतना सही नहीं है। और अगर हम अपना फियर फेस करें तो हम स्ट्रॉन्गर ही बनते हैं। एज अ मंक जे ने एक सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखी अपने डर को मैनेज करने की। जैसे स्टेज पर अगर कभी परफॉर्म करना हो, उससे पहले डर की वजह से बढ़ती हार्ट बीट, एक बड़े ग्रुप को एड्रेस करने से पहले का डर, किसी बड़े रूम में बहुत से लोगों के सामने अकेले बोलना, जॉब इंटरव्यू का डर, जब भी हम डर में होते हैं तो सबसे पहले हार्ट बीट और ब्रीथिंग बढ़ती है। इसे ओवरकम करने के लिए हमें 4 की काउंटिंग तक स्लोली इनहेल करना है अपनी ब्रीथ को, फिर अगले 4 की काउंटिंग के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे से सांस बाहर छोड़नी है 4 या उससे ज्यादा की काउंटिंग तक। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। साइंटिफिकली डीप ब्रीदिंग हमारे नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को एक्टिवेट करती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। इसका एक्टिवेशन पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट करता है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का सिंपल एक्ट एक स्विच को फ्लिप करने जैसा है जो हमारे नर्वस सिस्टम को रेस्ट और डाइजेस्ट की स्टेट में डाल देता है, जिससे माइंड और बॉडी काम होते हैं। चैप्टर 4 इंटेंशन। जब दिल और दिमाग एक हार्मनी में होते हैं तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हमारे दिमाग में हमारी आइडियल लाइफ की, रिलेशनशिप्स की, हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, इस सब की एक इमेज होती है और हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमें खुश करेंगी। पर अब हम जानेंगे क्या है जो इन एम्बिशंस को ड्राइव करता है और क्या हैप्पीनेस राइट टारगेट है। जे जिस आश्रम में थे वहाँ 2 लोकेशंस थी। एक दिन सीनियर मंक जे के साथ कुछ और मंक्स को दूसरी जगह ले गए और वहाँ चलते चलते वो उन्हें कुछ ग्रेट मंक्स से मिला रहे थे और उनके अचीवमेंट्स बता रहे थे। एक मंक लगातार 8 घंटों तक मेडिटेट कर सकता था, एक 7 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए रह सकता था, एक सारे स्क्रिप्चर्स के सभी श्लोक रिसाइट कर सकता था। ये देखकर जे बोले, वाओ, आई विश मैं भी ये कर पाता। सीनियर मंक ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सोचते हो कि तुम ये कर पाते या इसे करना सीख पाते? इसके पीछे तुम्हारा मोटिवेशन क्या है? क्या तुम सारे स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करना चाहते हो, क्योंकि ये एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट लगता है, या तुम उन्हें पढ़कर कुछ सीखना चाहते हो? जे को रियलाइज हुआ कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग्स किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि ऐसे ही किन्हीं मोमेंट्स में उन्हें मिली थी। फर्स्ट केस, जहाँ वो स्क्रिप्चर याद करने की सोचते हैं, वहाँ सिर्फ आउटकम की ही चाहत है, पर सेकंड में क्यूरियोसिटी है प्रोसेस से सीखने की। सीनियर मंक जे को ये क्वेश्चन करने को कह रहे थे वो क्यों उस काम को करना चाहते हैं जो आउटकम तक पहुँचने के लिए जरूरी है। द 4 मोटिवेशंस। नो मैटर हम कितनी भी बिखरी हुई जिंदगी जी रहे हो, हम सभी के कुछ न कुछ सपने होते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। हिंदू फिलोसोफर भक्ति विनोद ठाकुर सारे कामों के पीछे के 4 मोटिवेशंस डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 फियर, नंबर 2 डिजायर, नंबर 3 ड्यूटी और नंबर 4 लव। ये 4 मोटिवेशन हमारे सारे बड़े एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए इन्हें जरा डिटेल में समझते हैं। फियर,
जब फियर हमें मोटिवेट करता है, हम वो करना शुरू करते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे यार एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस डर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर फियर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे हम काम लंबे टाइम तक नहीं कर सकते और ना ही इससे लॉन्ग टर्म तक एक्ट करने पे हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि हम बुरे रिजल्ट से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। सेकेंड मोटिवेशन है डिजायर। इससे हम तब एक्ट करते हैं जब हम पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की ओर भागते हैं। एडवेंचर, प्लेजर और कंफर्ट्स के हमारे रास्ते मटेरियल गोल्स से भर जाते हैं। हमें लगता है सक्सेस हैप्पीनेस के बराबर है, पर ये आइडिया सिर्फ एक इल्यूजन है। जिम कैरी कहती हैं, मुझे लगता है सभी को एक बार अमीर हो जाना चाहिए, वो सब करने के काबिल हो जाना चाहिए जिसकी ख्वाहिश वो हमेशा करते हैं, ताकि उन्हें पता चले ये आंसर नहीं है। सक्सेस के इल्यूजन को हम सिर्फ इनकम या मटेरियल चीजों से नहीं बांध देते, बल्कि इसे अचीवमेंट से भी बांध देते हैं, जैसे डॉक्टर बनना, आईएएस बनना या स्क्रिप्चर्स याद करना जो जे ने सोचा था। एज अ मंक एक बार जे साउथ इंडिया में एक टेंपल में गए, वहाँ उन्होंने देखा एक पेंटर मंदिर की दीवारों में गोल्ड पाउडर लगा रहा था ताकि दीवार और सुंदर दिखे। जे ने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, तो वो जरा नजदीक जाकर इस काम को देखने लगे। तब अचानक ही उनकी आँख में गोल्ड पाउडर चले गया। वो तुरंत पानी से आँख साफ करने गए और वापस लौटकर इस बार जरा दूरी बना के पेंटर को देखने लगे। ये एपिसोड स्क्रिप्चर से मिले एक बड़े लाइफ लेसन सा लगा। गोल्ड डस्ट वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है, पर अगर इसके ज्यादा नजदीक चले जाओ तो ये हमें कुछ देर के लिए अंधा भी कर सकता है। ये एक इल्यूजन है। ऐसे ही मनी, फेम, ये सब फीकी चीजें हैं। मटेरियल ग्रेटिफिकेशन एक्सटर्नल है और हैप्पीनेस इंटरनल। मंक्स जब हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं तो वो मस्क डियर की स्टोरी बताते हैं, जो कि ग्रेट इंडियन पोएट कबीर ने लिखी और शायद आपने सुनी भी हो, पर इस कहानी का रियल एसेंस हम अब जानेंगे। मस्क डियर जंगल में एक बड़ी अच्छी स्मेल को ढूंढने के लिए भागता रहता है। वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते हुए गुजार देता है और कभी ये रियलाइज नहीं कर पाता कि वो स्मेल उसी से आती है। इसी तरह हम भी खुशियों को दुनिया की और चीजों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि वो हमारे अंदर ही हैं। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट सिर्फ माइंड को मास्टर करके और उसे सोल से कनेक्ट करने के बाद मिलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या रिलेशनशिप से नहीं। वो एक कहावत है ना, सक्सेस हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देती और हैप्पीनेस के लिए सक्सेस की जरूरत नहीं होती। अगली मोटिवेशन है ड्यूटी और लव। मंक्स को अपने काम पर विश्वास होता है कि इससे हम दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो मैटर करता है, तो हम भी मैटर करते हैं। तो जो वैल्यू हम अपने काम में देखते हैं, वही हमें मीनिंग दे सकती है। हम काम को बहुत ज्यादा कर सकते हैं जब हम उसे किसी के लव की वजह से करें। जब हम इंटेंशनली जीते हैं एक क्लियर विजन के साथ कि जो काम हम कर रहे हैं वो क्यों मैटर करता है, तब लाइफ में मीनिंग होती है और लाइफ फुलफिलमेंट देती है। मेडिटेशन, ब्रीथ, ब्रेथवर्क डिस्ट्रैक्शन को हमारे दिमाग से हटाने में सबसे पावरफुल मेडिटेशन है। ब्रेथवर्क काफी कामिंग होता है, पर इजी नहीं। लेकिन जो चैलेंजेस शुरुआत में आते हैं वो प्रोसेस का ही एक पार्ट है। बहुत से लोग मेडिटेशन से दूर भागते हैं क्योंकि ये बहुत ही अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए बुद्धा कहते हैं, जैसे एक मछली को पानी से निकालने के बाद वो तड़पने लगती है, वैसे ही माइंड को मेडिटेशन के लिए ट्रेन करने में माइंड भी शुरुआत में तड़पता है और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये काम होता है। ट्राई दिस। ये वो ब्रेथवर्क मेडिटेशन है जो जय शेट्टी हर दिन यूज करते हैं, जिसे हम फोकस इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है एक कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड करना, जैसे चेयर में बैठना या बैकबोन को एक तकिए की हेल्प से सीधा रख के बैठना। नेक्स्ट, क्लोज योर आईज, देन आंखों को ढीला छोड़ दो, फोर्स नहीं देना है, खुद को उस पोजीशन में कंफर्टेबल बनाओ और अब काम, बैलेंस और पीस की ओर अवेयरनेस लाओ। जेंटली माइंड को पीस की ओर लाओ और अब अपने नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न के लिए अवेयर होना शुरू करो। ब्रीथ पर ना ही जोर देना है और ना ही प्रेशर, बस जो नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है उसके लिए अवेयर होना है। इस दौरान माइंड इधर उधर जरूर भटकेगा,
तो जब भी ऐसा होता है हमें फिर से अपनी अवेयरनेस को पीस की ओर ले जाना है और यही चैलेंज है। इसे डेली एक बार या दो बार मिनिमम 5 से 10 मिनट के लिए करना है और मैक्सिमम जितनी देर आप करना चाहो, और ये करने के बाद 4 की काउंटिंग तक अपने नोज से सांस अंदर लेनी है, फिर अगली 4 काउंटिंग के लिए ब्रीथ को होल्ड करना है और अगली 4 काउंटिंग में माउथ से एक्सहेल करना है, जिसे टोटल 10 ब्रीथ के लिए करना है। और कपालभाति प्राणायाम के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये करने के बाद हमें वही करना है, और अगर आप नहीं जानते तो पहली 4 काउंटिंग तक नोज से सांस अंदर लेनी है और फिर 1 सेकंड से भी कम टाइम में पावरफुली अपने नोज से सांस बाहर छोड़नी है। इसे भी टोटल 10 ब्रीथ के लिए करना है। ब्रेथ वर्क फॉर स्लीप, 4 सेकंड्स तक इनहेल करना है और फिर 4 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए एक्सहेल करना है, जिसे आप कर सकते हैं जब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी हेल्प से नींद बहुत जल्दी आती है। पार्ट 2, ग्रो, चैप्टर 5, पर्पस। इस चैप्टर में कुछ डेप्थ की बातें हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आश्रम के पूरे अलग यूनिवर्स में एक्सप्लोर करने से जे और उनके साथी अपने धर्म तक पहुंच सके। ये कोई रिलीजियस धर्म की बात नहीं हो रही है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसे किसी और लैंग्वेज के एक सिंगल वर्ड से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसे हम अपनी कॉलिंग कह सकते हैं। धर्म वर्ण और सेवा का कॉम्बिनेशन है। वर्ण को हम पैशन या स्किल कह सकते हैं और सेवा का मतलब है दुनिया की जरूरतों को समझना और सेल्फलेसली दूसरों के अच्छे के लिए काम करना। जब हमारे नेचुरल टैलेंट्स और पैशन यानी कि वर्ण यूनिवर्स की जरूरतों से मैच होते हैं और हमारा पर्पस बन जाते हैं, तब हम हमारे धर्म में जी रहे होते हैं, और अपने धर्म में जीना ही फुलफिलमेंट का इकलौता रास्ता है। डिस्कवरिंग धर्मा, जे लिखते हैं, एक दिन मैं बर्तन धो रहा था और तभी एक सीनियर मंक मेरे पास आए और बोले, हम चाहते हैं कि इस हफ्ते तुम एक क्लास लो और टॉपिक भगवत गीता का ये श्लोक है कि ग्रेट आदमी जो भी काम करता है कॉमन इंसान उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करता है और वो अपने कामों से जो भी सीख दुनिया को देता है पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। मैंने इस पर बोलने के लिए एग्री किया और अब बर्तन धोने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँगा। ज्यादातर सारे गुरु एग्जाम्पल से समझाते हैं, मैं कैसे समझाऊंगा। मेरी तरह ही बहुत से मंक आश्रम में 5 साल की उम्र से नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीकर यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्हें ये श्लोक समझाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे मैं इस श्लोक को उन्हें रेलिवेंट फील करा सकता हूँ, जिससे वो इसे अपनी आश्रम से बाहर की लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकें। तो मैंने आश्रम की लाइब्रेरी के कंप्यूटर में रिसर्च करनी शुरू की, पर ये बहुत ज्यादा स्लो था। हर इमेज डाउनलोड होने में घंटों लगा देती थी। मेरी रिसर्च के दौरान मैं कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी से काफी फैसिनेट हुआ। हमारी क्लास एक मीडियम साइज्ड रूम में होती थी और जब मैंने अपनी बात पूरी की तो मुझे पता चला कि मुझे अपने आइडियाज शेयर करना अच्छा लगता है। मैंने ये इंजॉय किया जितना कि मैंने इस पर रिसर्च करना इंजॉय किया, और मंक्स ने मुझे अप्रिशिएट भी किया और एक दो ने ये भी पूछा कि मैंने ये प्रिपेयर कैसे किया। जब मैं इस सेटिस्फेक्शन का आनंद ले रहा था तब मुझे अपना धर्म रियलाइज होना शुरू हुआ। पढ़ना, नॉलेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना और बोलना, हर किसी का अपना अलग नेचर होता है जिससे उनकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। धर्म का मतलब है इस नेचुरल इंक्लिनेशन को उन कामों पे यूज करना जिनमें हम अच्छे हैं और इससे औरों को सर्व करना। काम की प्रोसेस के लिए हम पैशनेट होने चाहिए और एग्जीक्यूशन स्किलफुल होना चाहिए और औरों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए कि तुम इस काम को बेहतरीन तरीके से करते हो। और ये है एक मैजिक फॉर्मूला धर्म के लिए, पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस इक्वल्स टू धर्म। अगर हम काम से खुश सिर्फ तब हैं जब लोग तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम काम के लिए पैशनेट नहीं हैं, और अगर हम अपने पैशन और स्किल्स में इंडल्ज्ड हैं पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हमारा पैशन बिना पर्पस के है। इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग हो तो हम अपने धर्म में नहीं हैं। अपने धर्म को जानने में टाइम लगता है और ये सिर्फ
काम करके पता चलता है। खुद को काम में जुटाना पड़ता है, अलग अलग काम करने पड़ते हैं और काम इस मेंटेलिटी से नहीं करने कि मुझे तो पता करना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं किस काम में अच्छा हूँ। क्योंकि एक दो बार में अगर कोई काम अच्छा लगता है तो फिर बाद बाद में वही चीज बोर करने लगती है, मन ही नहीं होता उस काम को करने का। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो पहली बार में किसी भी नए काम में टॉप परफॉर्मेंस हो ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो काम को करना है काम करने से प्यार करने के लिए, ये सीखने के लिए कि कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ। इससे हमें अब प्रोसेस से प्यार है और अल्टीमेटली हम अपने धर्म को जान लेंगे। और जो काम करने शुरू करने हैं उनके लिए शुरुआत उन कामों से करो जो करने जरूरी है। जे ने जब आश्रम छोड़ा तो ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब करनी शुरू की। यहाँ वो लगातार नंबर्स, डाटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील कर रहे थे और जल्द ही वो ये जान गए कि इस काम के लिए एक्सेल यूज करने का टैलेंट इसेंशियल था। पर काफी एफर्ट्स देने के बावजूद जे एक्सेल में उतना इम्प्रूव नहीं कर पाते थे, जबकि और लोग उतने एफर्ट से काफी आगे बढ़ जाते थे। तो जब वो अपना बेस्ट देते रहे तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं यहाँ वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट करूँ जिसमें मैं ऑलरेडी अच्छा हूँ। जे का पैशन था विजडम, मेडिटेशन और जिंदगी के बारे में बताना। तो उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को एक माइंडफुलनेस क्लास का ऑफर दिया। कंपनी के लीडिंग मैनेजर ने भी ये क्लास अटेंड की और उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने जे को एक कंपनी वाइड समर इवेंट में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में बताने के लिए कहा। और जब वो दिन आया तो जे को पता चला कि उनकी स्पीच सीईओ और विल ग्रीनवुड एक रग्बी लीजेंड की स्पीच के बीच में है। वो बैठकर बस यही सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, सब मुझ पर हंसने वाले हैं, मैंने क्यों अपनी बॉस की बात मान ली, और स्पीकर्स अपने फील्ड की टॉप में हैं और मैं कहीं नहीं। अगले थॉट्स इस बारे में आने लगे कि मैंने क्या प्लान किया है बोलने को और मैं इसे कैसे डिलीवर करने वाला हूँ। और फिर उन्होंने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, खुद को काम किया और स्टेज में जाने से बस 2 सेकंड पहले सोचा जस्ट बी योरसेल्फ, अपने धर्म को परफेक्टली फॉलो कर बजाय किसी और के धर्म पर चलने के। उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की और जिस डायरेक्टर ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसने कहा, मैंने कभी भी किसी ऑडियंस को इतना शांत नहीं देखा, तुम्हारी स्पीच के दौरान एक सुई गिरने तक की आवाज सुनाई दे सकती थी। और फिर बाद में उसी डायरेक्टर ने जे को पूरे यूके में माइंडफुलनेस सिखाने को कहा। तो जे कहते हैं, कुछ बड़े करियर चेंज लाने के बजाय आप मेरा तरीका ट्राई कर सकते हो, आपकी जिंदगी जैसी भी अभी चल रही है उसमें उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो जहां आपको वो काम करने का मौका मिले जिससे आपको प्यार है, और ये कोई नहीं जानता कि ये छोटा सा स्टेप आपको कहां तक पहुंचा सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम दिन का बेस्ट स्टार्ट पा सकते हैं और कैसे एक रूटीन हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकता है। चैप्टर 6, रूटीन। लोकेशन हैज एनर्जी, टाइम हैज मेमोरी। हर सुबह जैसे ही आप उठो खुद से ये कहो, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरे पास ये प्रीशियस ह्यूमन लाइफ है और इसको मैं पूरा यूटिलाइज करूंगी। रूटीन बिल्ड करने के लिए जे की पहले रिकमेंडेशन है सुबह जल्दी उठना। हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है काम पर जाने से सिर्फ कुछ देर पहले उठना। हम खुद को अपने सारे कामों के लिए बस इनफ टाइम देते हैं। ऐसे में अगर एक भी काम में 5 मिनट भी ज्यादा लग जाए तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं और लेट भी हो जाते हैं। सुबह की ऐसे शुरुआत से हम अपनी बॉडी को सारे दिन हाई प्रेशर और हाई स्ट्रेस के लिए ऑपरेट होने के लिए प्रोग्राम करते हैं। सुबह जल्दी उठकर दिन और प्रोडक्टिव हो जाता है। मैक्सिमम सक्सेसफुल बिजनेस पीपल ऑलरेडी इस रूट को यूज करते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपने दिन की शुरुआत 3:45 AM पे करते हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी 4 बजे उठना है, जो कुछ भी हमारा वेकिंग टाइम है हमें उससे बस 1 घंटे पहले उठना है। सुबह जल्दी उठने का हमारा मकसद है खुद को टाइम देना और अपने सारे काम आराम से बिना स्ट्रेस या जल्दबाजी के करना। तो हमें अपने यूजुअल टाइम से सिर्फ 1 घंटे पहले उठना है। हमारी सुबह हमारे शाम से डिफाइन होती है। जिस तरह के थॉट्स को दिमाग में रखकर हम सोते हैं इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम उन्हीं के साथ उठें।
जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी इम्पोर्टेंट है। 75% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH रिलीज होता है जब हम सो रहे होते हैं, और रिसर्चर्स ने जाना है कि ये सबसे ज्यादा रात के 10 बजे सेक्रेट होता है, और अगर आप इस टाइम पे जगे हुए होते हो तो आप HGH के लिए खुद को चीट कर रहे हो। मॉर्निंग हमारे दिन का फ्लो सेट करती है और एक वेल प्लान्ड इवनिंग हमें सुबह के लिए प्रिपेयर करती है। तो इवनिंग को सही करने का तरीका है, नंबर 1, सोने से 1 घंटे पहले फोन या अदर स्क्रीन डिवाइसेस का यूज ना करना। नंबर 2, इस 1 घंटे में अपने अगले दिन को प्लान करना कि कल मुझे सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या क्या करना है। नंबर 3, रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सो जाना। और फाइनली, सोने से पहले कुछ अच्छा सोचना, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल महसूस करना। टाइम हैज मेमोरी, किसी काम को डेली एक ही टाइम पर करने से हमें याद रहता है कि हमें ये कब करना है, और हैबिट इजली बनती है। जब हम कोई चीज एक ही टाइम पर करते हैं तो टाइम हमारे लिए उस टाइम को याद रखता है। जब भी आप कोई नई हैबिट अपने रूटीन में ऐड करना चाहते हो, जैसे मेडिटेशन या रीडिंग, तो उसे एक फिक्स टाइम पर करो। जब भी फ्री टाइम मिले तब उस काम को मत करो, इससे हैबिट फॉर्मेशन और डिफिकल्ट होता है। उसे डेली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर दो, और हैबिट को इजी बनाने के लिए उसे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट में ऐड कर दो। जे की एक फ्रेंड योगा हैबिट बनाना चाहती थी, तो उसने योगा मैट को अपने बेड के बगल में ही प्लेस कर दिया, और वो बेड से उठकर सीधा अपनी योगा मैट पर आके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, जिसमें हम अपनी किसी पहले से बनी हुई आदत में कोई नई आदत ऐड कर देते हैं। लोकेशन हैज एनर्जी, किसी भी काम को डेली एक ही टाइम पे करने के साथ साथ अगर हम उसे रोज एक पर्टिकुलर जगह पर करते हैं तो किसी भी नए काम की हैबिट चुटकियों में बन जाती है। और बाकी हैबिट बिल्डिंग की सारी ट्रिक्स तो हमने एटॉमिक हैबिट से सीखी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, नई आदत को बनाने के लिए और आदत बनाने के लिए सही तरीके से गोल सेट करने के लिए उन्हें जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। टाइम और लोकेशन की कंसिस्टेंट एनर्जी हमें प्रेजेंट में जीना सिखाती है। ऐसे करने से हम डीपली फोकस्ड होते हैं। तो अपनी लाइफ में रूटीन्स बिल्ड करो और खुद को फोकस करने के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेन करो। एक बार जब हम टाइम और लोकेशन की एनर्जी से एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से जीत जाते हैं, तो हम सबसे पावरफुल डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि है हमारे माइंड के अंदर की आवाजें। चैप्टर 7, द माइंड। हमारे माइंड के थॉट्स पेड़ की टहनी की तरह हैं, और माइंड मंकी की तरह है जो एक टहनी से दूसरी टहनी पर उछलते रहता है। जैसे इरिगेटर्स खेत पर जहां वो चाहते हैं वहां पानी डालते हैं, कारपेंटर्स लकड़ी को काव करते हैं, आर्चर्स अपने एरो को स्ट्रेट बनाते हैं, वैसे ही वाइस अपने माइंड को शेप करते हैं। ट्रू ग्रोथ सिर्फ माइंड की समझ से होती है। जितना ज्यादा हम माइंड के साथ अपनी रिलेशनशिप को समझते हैं, मजबूत करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उतने ही सक्सेसफुली हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं और चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। माइंड ज्यादातर चॉइसेस के बीच फंसा रहता है। छोटी से छोटी चॉइस और बड़ी से बड़ी चॉइस हमारी लाइफ को इक्वली शेप करती है, बस छोटी के आउटकम जल्दी नहीं दिखते। जैसे अभी उठूं या थोड़ी देर और सो जाऊं, जिंदगी में आगे क्या करना है, सारी चॉइसेस हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने ग्रैंडसन को बताता है, हर चॉइस हमारे दिमाग के अंदर दो भेड़ियों के बीच हो रही फाइट सी है। एक एंगर, एनवी, ग्रीड, फियर, झूठ, ईगो और इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगला पीस, लव, कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों खुद को आगे लाने के लिए लड़ते रहते हैं। तो बच्चा अपने दादा से पूछता है, दादाजी जीतता कौन है? तो दादा आंसर देते हैं, जिसे हम ज्यादा खाना खिलाते हैं। बच्चा पूछता है, हम इन्हें खाना कब खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं? तो दादा बताते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जिनके साथ हम टाइम बिताते हैं, अपने फ्री टाइम में जो हम करते हैं, अपनी एनर्जी और अटेंशन को जहाँ देते हैं, वही सब इन भेड़ियों का खाना है। भगवद गीता कहती है, जिसने अपने माइंड को जीत लिया है उसके लिए माइंड उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जो इस काम में फेल हो जाता है उसके लिए उसका माइंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दो तरह के माइंड होते हैं, मंकी माइंड और मंक माइंड, इनमें मंकी माइंड एक बच्चे की तरह है और मंक माइंड एक अडल्ट है।
बच्चे को जो चाहिए जब उसे वो नहीं मिलता है तो वो रोने लगता है बिना ये देखे कि उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। बच्चा किसी भी चीज की रियल वैल्यू को नहीं समझ पाता। वो कुछ कैंडीज पाने के लिए कोई बड़ा सर्टिफिकेट बेच सकता है। जब कोई चीज किसी तरीके से हमें चैलेंज करती है तो चाइल्ड लाइक माइंड इमीडिएटली रिएक्ट करता है, पर साथ ही साथ ये माइंड हमें क्रिएटिव और डायनेमिक भी बनाता है और बहुत सारी इनवैल्यूएबल क्वालिटीज देता है। लेकिन अगर ये हमें रूल करने लगे तो ये हमारा बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ये माइंड कंट्रोल होता है अडल्ट माइंड से, जो बताता है क्या सही है और क्या गलत। अडल्ट माइंड हमें थमकर सोचने को कहता है, डिसाइड करने को कहता है कि ये सही है या नहीं। इंटेलिजेंट पेरेंट समझते हैं कि क्या बच्चे के लिए जरूरी है और क्या वो चाहता है, और डिसाइड करते हैं कि इसके लिए लॉन्ग टर्म में क्या फायदेमंद है। पेरेंट्स अगर बच्चे पर ध्यान ना दें तो वो अपनी मनमर्जी से चलने लगता है, और अगर पेरेंट्स को ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो तो बच्चा और बुरा बन जाता है। तो माइंड को समझने का पहला स्टेप है अपने अंदर की आवाजों के लिए अवेयर हो जाना, खुद को पेरेंट और माइंड को बच्चा समझना। ड्राइव द चैरियट ऑफ माइंड। पेरेंट चाइल्ड मॉडल से परे हमारे अंदर लगातार लड़ रही आवाजों के लिए मंक्स टीचिंग का माइंड का एक दूसरा मॉडल है। उपनिषदों में हमारे माइंड की वर्किंग को एक रथ से कंपेयर किया गया है जो 5 घोड़ों से चलता है। इस एनालॉजी में रथ हमारी बॉडी है, घोड़े 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, घोड़ों की लगाम माइंड है और रथ को चलाने वाली हमारी समझ है। अनट्रेंड स्टेट में सारथी मतलब रथ चलाने वाला अपने काम में सोया हुआ है, तो घोड़े लगाम को कंट्रोल करते हैं। वो जहां मर्जी आए वहां भागते हैं, जहां ज्यादा टेस्टी ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ मिले उसी की ओर भागते हैं। ऐसे ही हमारे सेंस ऑर्गेन्स भी एक्टिवेट होते हैं फूड, मनी, पावर और बाकी सारी डिजायर्स के लिए। अगर घोड़े यानी सेंस ऑर्गेन्स कंट्रोल में हो तो सारथी सही और गलत का फर्क जानते हुए इन्हें सही रास्ते पर ले जाता है, पर अगर यह कंट्रोल में ना हो तो अपनी मन मर्जी से भागते हैं। ट्रेंड स्टेट में सारथी जागा हुआ है, अवेयर होता है, अटेंटिव होता है, घोड़ों को वहाँ भागने की इजाजत नहीं देता जहाँ कहीं भी वो भागना चाहे। सारथी घोड़ों को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए माइंड की लगाम का यूज करता है, और इस सही डायरेक्शन में जाने के लिए सिर्फ एक काम हमें करना है, अपने सेंस ऑर्गेन्स को मास्टर करना है, क्योंकि ऐसा करने से ही माइंड कंट्रोल होगा। और माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भगवद गीता की सीख से हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अपने सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करने के लिए उसे जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चैप्टर 8, ईगो। समवेद कहते हैं बहुत वेल्थ होने की फीलिंग वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है, और ऐसे ही बहुत नॉलेज होने की फीलिंग नॉलेज को डिस्ट्रॉय करती है। नो मैटर हम कितने भी बड़े हों, पर अगर हम खुद के लिए अपने स्टेटस की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड करते हैं तो हमारी ईगो हमें कंट्रोल करती है। खुद में और औरों के सामने अपनी इमेज में डिफरेंशिएट करने के लिए उन चॉइसेस के बारे में सोचो जो आप अकेले में लेते हो। जब कोई आपको देखने वाला नहीं होता और आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ आप जानते हो कि आप मेडिटेट करना चूज करते हो या नेटफ्लिक्स देखना, थोड़ी देर सो जाना या एक्सरसाइज करना। जब कोई आपको देखने वाला नहीं होता है तब की अपनी उस इमेज को अपने सामने लाओ। ये रियलिटी है कि आप खुद को कैसे रेस्पेक्ट देते हो। ईगो हमें अच्छा बनाना चाहती है, ये बस हमें अच्छा दिखाना चाहती है, और ये हमारी ईगो हमें हमारे आसपास के लोगों से फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन, रेस, रिलीजन और आगे काउंटलेस चीजों के बेसिस पे कंपेयर करके अकॉम्प्लिश करती है। जजमेंट। एक जेन स्टोरी है 4 मंक्स के बारे में जो एक साथ 7 दिन और 7 रातों के लिए पूरे साइलेंस में मेडिटेट करने का डिसीजन लेते हैं। पहला दिन अच्छा बीतता है, पर जैसे ही शाम होने लगती है तो पहला मंक इंपेशेंट हो जाता है, क्योंकि जिस मंक को लैंप जलानी थी वो अभी तक अपने ध्यान में मग्न है। काफी देर हो जाती है और पहले मंक से अब रहा नहीं जाता है, तो वो दूसरे से कहता है, तुम लैंप्स क्यों नहीं जलाते हो। सेकंड मंक उसकी ओर मुड़कर कहता है, तुमने साइलेंस को तोड़ा। तो इतने में तीसरा मंक बोलता है, बेवकूफो, तुम दोनों ने साइलेंस तोड़ दिया है। फिर चौथा मंक अपने साथियों की ओर देखता है और एक प्राउड स्माइल उसके चेहरे पर आती है, और वो कहता है, लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो एंड तक शांत रहा। स्टोरी में हर मंक ने एक दूसरे को जज किया, और ऐसा करने से वो खुद पे ही गिल्टी हुए। ये जजमेंट का नेचर है, ये हम पर ही पलट कर वार करता है, और जब कभी भी हम किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा आदमी भले ही नीचे गिरे ना गिरे, हम जरूर नीचे गिर जाते हैं। जब हम खुद को औरों से ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सबसे आगे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जब हमारी कमजोरियां सबके सामने आती हैं, तब उस ईगो के पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचता जो अब तक हमें बताती थी कि हम ही सबसे ब्रिलियंट हैं। ईगो का सॉल्यूशन है ह्यूमिलिटी।
ईगो दो तरफा होती है। एक बार को वो हमें बताती है कि हम ही सबसे अच्छे हैं और अगले ही पल में वो दिखाती है कि हम सबसे बुरे हैं। दोनों ही सिचुएशंस में हमारी रियलिटी हमसे छुपी हुई है। ह्यूमिलिटी ये जानने में है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच क्या है। मैं कुछ चीजों में अच्छा हूँ और कुछ में उतना अच्छा नहीं हूँ, ये ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी हमें हमारी वीकनेस को समझने में हेल्प करती है और इम्प्रूवमेंट कराना चाहती है। हम अपनी पहचान को जानने के लिए और गहराइयों में जा रहे हैं, जिससे हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकेंगे। ये बहुत सारी ग्रोथ है और अचानक से नहीं होगी, तो खुद की इस ग्रोथ में हेल्प करने के लिए हमें अपनी मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन को ऐड करना है। पास्ट को हील करने के लिए और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने के लिए विजुअलाइजेशन परफेक्ट वे है। मेडिटेशन, विजुअलाइज, इमेजिन कि आपको वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी जो आपने किसी ऐसे इंसान से कही जिसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब खुद को उन्हें ये बताते हुए देखो कि उनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में कितने मायने रखती है। इससे पास्ट चेंज तो नहीं होता, पर रिग्रेट बढ़ने के बजाय हील होनी शुरू होती है। जे लिखते हैं कि स्पीच देने से पहले प्रिपेयर करते वक्त मैं बहुत बार खुद को ऑलरेडी स्टेज पर जाकर बोलते हुए विजुअलाइज करके प्रैक्टिस करता हूँ। इससे मेरी प्रैक्टिस और प्रोडक्टिव होती है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन एक अपॉर्चुनिटी है। पास्ट हो या फ्यूचर हो, चीज बड़ी हो या छोटी हो, उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे रियलिटी बनाने की। मेडिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने थॉट्स को देखना। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देना और अपने दिमाग को उस चीज की ओर ले जाना जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर ये हार्ड नहीं होता है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। एक इम्पोर्टेंट नोट, हमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन चूज करने हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन हमें पेनफुल थॉट्स से भर देता है। पार्ट 3, गिव, चैप्टर 9, ग्रेटिट्यूड, दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग। अपने पास जो है उसमें हर चीज को एप्रिशिएट करो, ऑर्डिनरी को भी और स्पेशली ऑर्डिनरी को ही। मंक्स हर वक्त अपनी हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहने की कोशिश करते हैं। ग्रेटिट्यूड पर जे का सबसे मेमोरेबल लेसन आश्रम में आने के काफी टाइम बाद उन्होंने सीखा। सीनियर मंक ने एक दिन सारे नए मंक्स को एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में लिखने को कहा जिसके लिए उन्हें लगता है कि वो उसे डिजर्व नहीं करते थे। और जरा आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे एपिसोड के बारे में सोचो जिसके लिए आपको लगता है आप उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हो। जे ने अपनी टीन एज से एक एपिसोड चुना जब उनके बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था और इस बारे में सब कुछ लिख दिया। 15 मिनट्स के बाद सारे मंक्स ने वो शेयर किया जो कुछ भी उन्होंने लिखा था। एक ने अपनी छोटी बहन की डेथ के बारे में लिखा था, एक ने एक्सीडेंट और इंजरीज के बारे में, किसी ने अपने खोए हुए प्यार के बारे में। जब सब ने अपना ऐसा एपिसोड शेयर किया तब सीनियर मंक ने उनसे कहा, तुम सभी ने कुछ नेगेटिव चुना है, किसी ने भी कुछ ऐसी वंडरफुल चीज के बारे में नहीं लिखा जिसे तुम डिजर्व नहीं करते थे और तुम्हें वो बाय चांस मिल गई या तुम्हारे साथ वो हो गया। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? और क्या आपने किसी वंडरफुल चीज के बारे में सोचा जिसे आप डिजर्व नहीं करते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ये सोचने की हैबिट में होते हैं कि हम बुरी चीजों को डिजर्व नहीं करते। एक बार बहुत से साइंटिस्ट ने लोगों के दो ग्रुप को अपने दिन के कुछ रिकॉर्ड्स रखने को कहा। एक ग्रुप से कहा गया, तुम हर उस चीज का रिकॉर्ड रखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, और बाकी लोग उसकी ख्वाहिश करते हैं। आज दिन भर उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखो। और अगले ग्रुप से कहा गया, तुम हर उस चीज का रिकॉर्ड रखो जिससे तुम परेशान हो, जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। दिन के एंड में ग्रेटिट्यूड ग्रुप में स्ट्रेस लेवल ना के बराबर था और दूसरे ग्रुप में बहुत हाई स्ट्रेस लेवल था। जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो कि रिवॉर्ड केमिकल है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। और ये केमिकल उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने की फील भी जनरेट करता है और अपने आप ग्रेटिट्यूड की हैबिट बन जाती है। ग्रेटफुल रहने के लिए या ग्रेटफुल फील करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस थैंक यू बोलना है। सुबह उठते ही ईश्वर को हमें ये जीवन देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना है। जो कुछ भी अच्छा हो तो पूरे दिल से पूरी खुशी के साथ थैंक यू सो मच गॉड कहना है। और सोने से पहले भी
ईश्वर को आज दिन भर मुझे जिंदा रखने के लिए, सलामत रखने के लिए थैंक यू कहना है। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन उन्हें जब भी अपनी रिसर्च में उनसे पहले हुए किसी भी साइंटिस्ट के काम से हेल्प मिलती तो वो पूरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते कि उन साइंटिस्ट की मेहनत के बदौलत वो आज और आगे कुछ कर पा रहे हैं। सारी और अच्छी क्वालिटीज ग्रेटिट्यूड से नेचुरली आती हैं। कंपैशन, कॉन्फिडेंस और दूसरे लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स ग्रेटिट्यूड का एक बड़ा आउटकम है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दूसरे इंसानों से अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की और इन रिलेशनशिप्स को बनाए रखने की। चैप्टर 10, रिलेशनशिप्स। हर इंसान एक पूरी दुनिया है एक्सप्लोर करने को। मंक्स को हम काफी बार सन्यासी और त्यागी समझते हैं जो अकेले रहते हैं हर चीज से अलग, पर जे का मंक लाइफ एक्सपीरियंस रहा कि एज अ मंक जीने से वो बाकी लोगों से पूरे दिल से जुड़ना शुरू हुए। आश्रम के फर्स्ट ईयर के दौरान जे एक बार बहुत अपसेट हुए और अपने टीचर के पास गए, उनसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, आपने कहा था कि सबको रिस्पेक्ट दो, सबको एक नजर से देखो, पर ऐसा करने से मुझे महसूस होता है कि मैं सिर्फ प्यार बांट रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं औरों की केयर करता हूँ और उनका ध्यान रखने की भी कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो टीचर बोले, तुम अपनी हम्बलनेस के बदले में कुछ क्यों चाहते हो? ये बात हमेशा याद रखो, जब भी तुम कोई भी एनर्जी बांटते हो, जैसे लव, हेट, एंगर या काइंडनेस, वो तुम्हें जरूर वापस मिलेगी। लव एक सर्कल की तरह है, अगर तुम इसे बांटना शुरू करो तो ये वापस आता ही है। प्रॉब्लम तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के साथ में है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लव और रिस्पेक्ट उसी इंसान से मिलेगी जिसे तुम ये बांट रहे हो, पर ऐसा नहीं होता। ये किसी से भी तुम्हें मिल सकती है, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, पर तुम उन्हें सेम लव नहीं देते। बहुत बार हम उनकी केयर करना शुरू कर देते हैं जिन्हें हमारी कोई केयर नहीं होती, और उन्हें भूल जाते हैं जिनके लिए हम ही सब कुछ हैं। जे लिखते हैं, जिस वक्त मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था कि कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, उसी वक्त मेरी माँ शायद बैठकर सोचती होगी, काश मेरा बेटा मुझे कॉल करता। हमेशा ये याद रखो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम में तुम भी एक सीजन हो, एक रीजन हो और एक लाइफ टाइम फ्रेंड हो। और जो रोल तुम दूसरों की लाइफ में प्ले करते हो, जरूरी नहीं कि दूसरे भी तुम्हारी लाइफ में वो ही रोल प्ले करें। हम सभी बायोलॉजिकली आपस में कनेक्टेड हैं, केमिकली अर्थ से और बाकी यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो जिंदगी में ट्रू मीनिंग पाने के लिए हमें आउटर वर्ल्ड की ओर बढ़ना पड़ेगा। फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। चैप्टर 11, सर्विस। इग्नोरेंट इंसान सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करता है, जबकि वाइज पर्सन पूरी दुनिया की वेलफेयर के लिए काम करता है। गोरंगा दास ने जे को बहुत इंस्पायर कर दिया था जब उन्होंने कहा, वो पेड़ लगाओ जिनकी छांव में बैठने का तुम्हारा कोई इरादा ना हो। इस सेंटेंस की वजह से जे की लाइफ का वो रास्ता खुला जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, और वहाँ से उन्होंने सीखा अपनी पूरी मंक लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, जिसे आज वो अपनी लाइफ के हर दिन खुद में अप्लाई करते हैं, और वो है सेवा में जीना, सर्विस। अपनी जिंदगी को दुनिया की जरूरतों को सर्व करने में लगाना, यही है जिंदगी का हाईएस्ट पर्पस। मंक्स सर्विस में जीते हैं, और मंक्स की तरह जीने का अल्टीमेट मतलब है सर्विस में जीना। मंक्स किसी भी जगह को उससे ज्यादा साफ छोड़ते हैं जितना उनके आने से पहले वो थी। जिस किसी से भी वो मिलते हैं उन्हें उससे ज्यादा खुश करते हैं जितना उनसे मिलने से पहले वो थे, और दुनिया को उससे बेहतरीन छोड़कर जाते हैं जितना बेहतरीन उन्होंने इसे पाया था। हम ही नेचर हैं, और अगर हम नेचर को बारीकी से ऑब्जर्व करें तो नेचर हमेशा सर्व करते रहता है। सन हमें हीट और लाइट देता है, ट्रीज ऑक्सीजन और छांव देते हैं, पानी हमारी प्यास बुझाता है। हम कर सकते हैं, और मंक्स ये करते हैं। वो हर चीज को कुछ न कुछ सर्व करते हुए देखते हैं,
भगवत गीता कहती है, इन सौभाग्यशाली पेड़ों को देखो, ये पूरे निस्वार्थ से औरों के फायदे के लिए जीते हैं। तो नेचर के साथ बने रहने का, यूनिवर्स के साथ बने रहने का एक ही तरीका है, दुनिया को कुछ सर्व करते रहना, क्योंकि यही वो काम है जो यूनिवर्स हमेशा करते रहता है। मंक्स मानते हैं, हम सर्व करने के लिए पैदा होते हैं, पर आउटर वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शंस हमसे हमारा पर्पस छीन लेते हैं। अपनी इस सहज प्रवृत्ति से हमें दोबारा जुड़ने की जरूरत है, ताकि लाइफ में मीनिंग फील होनी शुरू हो। मंक्स जानते हैं कि सर्विस का पिलर हमारी लाइफ को बहुत मायनों में सुधारता है। सर्विस हमें कनेक्ट करती है। जब हम सर्व करते हैं तो अकेला रह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्विस ग्रेटिट्यूड को दुगना कर देती है। जब हम सर्व करते हैं तब रियलाइज होता है कि दुनिया को वाकई में उस चीज की जरूरत है जो हमारे पास ऑफर करने के लिए है। औरों की हेल्प करने से महसूस होता है कि हम दुनिया में कुछ डिफरेंस पैदा कर रहे हैं और जिंदगी में मीनिंग और पर्पस महसूस होता है। सर्विस में जीते हुए हमारे पास कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने का समय ही नहीं होता, डर खत्म हो जाता है। सर्विस में जीते हुए हम ग्रेटफुल रहते हैं, मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस डिमिनिश होते हैं, तभी सर्विस ही डायरेक्ट पाथ है मीनिंगफुल लाइफ का। मेडिटेशन चैंट। लीजेंडरी इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचो। साउंड हमारे माइंड को चलाती है। कोई सॉन्ग हमें पुरानी यादों में डुबा देता है, कोई हमारा डांस मोड ऑन कर देता है और कोई हमें इमोशनल कर देता है। शब्दों में वैसे ही पावर होती है और ये हमारी दुनिया को देखने के पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं। तो जब हम चैंट करते हैं, हम खुद एनर्जी जनरेट करते हैं। साउंड मेडिटेशन हमें हमारी सोल से और यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। मंक्स साउंड की पावर को मास्टर करते हैं। कुछ अफर्मेशंस और मंत्रास को अपने मेडिटेशन के दौरान बार बार रिपीट करके। सबसे पुराना और सबसे पावरफुल मंत्रा है ओम, और इसकी चैंटिंग हमें अपने मेडिटेशन में ऐड करनी है। मेडिटेशन के एंड में हमें इसे 3 बार, 7 बार या इससे आगे जितना आप चैंट कर सको उतने बार बोलना है और बस अपनी आवाज को सुनना है। कंक्लूजन। तो इस बुक से हमने जाना मंक माइंडसेट बिल्ड करने की 3 स्टेजेस। फर्स्ट, हम जाने देते हैं, लेट गो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को और उन डरों को जो हमें पीछे खींचते हैं। अपनी आइडेंटिटी को पहचान कर, नेगेटिविटी को बारीकी से समझकर और अपने डर का अपने फेवर में यूज करना सीखकर हम आउटर ऑब्स्टिकल्स को जाने देते हैं। उस जलते हुए घर को याद रखिएगा। लेटिंग गो को हम क्लिंजिंग की तरह समझ सकते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए स्पेस बिल्ड करती है। सेकंड, हम ग्रो हुए, हमने इंटेंशन के साथ डिसीजन लेना सीखा, अपने धर्म को जानकर पर्पस के साथ जीना सीखा, मंकी माइंड को मंक माइंड से कंट्रोल करना सीखा और अपनी ईगो को भी मास्टर करना सीखा, और फाइनली हमने सीखा ग्रेटिट्यूड, लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और सर्विस की हेल्प से सेल्फ कंटेंट होकर बांटना। और इसी के साथ हमने जाने 3 बेसिक और सबसे पावरफुल मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, विजुअलाइजेशन और साउंड। आई होप कि इस बुक ने आपको इंस्पायर किया होगा और अब आप अपनी जिंदगी के लिए एक फ्रेश स्टार्ट प्लान करोगे। इस बुक से बस इतना ही। आई होप कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी हो और आप इसे अप्लाई जरूर करोगे। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट लव। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स की ग्रोथ के लिए उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग या लिसनिंग।